मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बगिया स्थित अपने आवास में मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले अपने बूथ से धनेश्वर साय को ऑनलाइन सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि विश्व की नंबर वन राजनीतिक पार्टी भाजपा की 6 वर्षों के बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए आज पूरे देश में व्यापक स्तर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा का एक एक नेता व कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जशपुर जिले में 1.5 लाख सदस्यता ग्रहण करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें करीब 40,000 लोगों को सदस्य बनाया गया है। आज हम लोगों के प्रणेता, हम लोगों के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर में आज हमारे गृह ग्राम बगिया में इस सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। और ऐसे कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे जशपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान और कर्मठ अध्यक्ष बंधुवर श्री सुनील गुप्ता जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष द्वय श्री सुनील अग्रवाल जी, श्री पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण श्री रोशन प्रताप जी, कपिलेश्वर सिंह जी, अनिल अग्रवाल जी, दिनेश चौधरी जी, हमारे कुनकुरी के पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष बंधुवर श्री रोहित कुमार साई जी, और इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के साथीगण, आप सब लोग यहां पर आए हैं हमारे गृह ग्राम में, हमारे निवास गृह में आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, तो उनकी जयंती की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोगों के आदर्श पुरुष हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने विश्व को एकात्म मानववाद और अंत्योदय का पाठ सिखाया। आज जिनके मार्गदर्शन पर, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग सब लोग चलकर जनसेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम दिया, मतलब समाज का आखिरी छोर का जो सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी सेवा, ऐसा सिखाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको मैं उनके जयंती के अवसर में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश ही नहीं पूरे दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और हमारे संगठन का, हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है। हर 6 साल में हमारे जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको अपनी सदस्यता रिन्यूअल कराना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, हर 6 साल में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो इस साल हम लोग सब रिन्यूअल करा रहे हैं। 18 करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, 18 करोड़ उनका सबका रिन्यूअल होगा और सबको दायित्व है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, सबका दायित्व है, सबको सदस्य बनाना है। और आज उसी कार्यक्रम के तहत मैं अपने बूथ पर आया हूं। आज हमारा कार्यक्रम झारखंड में है। झारखंड में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आज हमारा कार्यक्रम सिमडेगा से लेकर कोरबा थी, जिसको बढ़ाकर अभी 50 लाख करना है। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि एक विधायक को अपने विधानसभा में 10,000 सदस्य बनाना है। प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इसलिए सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल जयंती की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है, संगठन का सदस्यता अभियान, और आज दीनदयाल जी की जयंती के अवसर में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है, और आज उसी निमित्त हम भी अपने बूथ में यहां पर बगिया में आए हैं सदस्य बनाने के लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख का है, पिछले बार 37 लाख थे सदस्य थे, इस बार उसको बढ़ा के 50 लाख करना है। और विधायक के नाते हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। तो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग लक्ष्य पार करेंगे। झारखंड किला पता करने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, वहां पर परिवर्तन संकल्प यात्रा पार्टी के तरफ से चलाया जा रहा है, और उसमें हमारी भी ड्यूटी लगी है। आज हमको भी वहां पर जाना है, और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।